हाय गाइस, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं जोमैटो का पूरा जो डिलीवरी प्रोसेस है, डिलीवरी जब आप ऑर्डर करते हैं उससे लेकर पूरा जब तक आपको फूड डिलीवर होता है वो पूरा लॉजिक हम दोबारा से लिखेंगे, पूरा क्लोन बनाएंगे लॉजिकल, सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस की हेल्प से। प्रॉमिस में जो जो चीजें होती है ना हम सब कुछ कवर कर लेंगे और अच्छे से प्रॉमिस लर्न कर लेंगे कि भाई साहब जावास्क्रिप्ट बनाने वाला भी आएगा ना तो भी उसको प्रॉमिस तुम समझा पाओगे, इतने अच्छे से सिखा दूंगा। तो चलिए फटाफट कोड पे चलते हैं। हाँ गाइस, तो मैंने ना जोमैटो का जो ऑर्डरिंग पेज है वो पहले से बना के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट यूआई नहीं बनाया लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज जो उसमें होती है वो सारी है। ऊपर मेरा हेडर चल रहा है कि हम ये क्रैक करने वाले हैं। नीचे स्टेटस आ रहा है कि आपके ऑर्डर का क्या स्टेटस है, टाइम पे है या नहीं, यहाँ पे कितनी देर में आ रहा है, ये हम लॉजिक से आगे कंट्रोल करेंगे कि दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। नीचे मैप व्यू डिसेबल्ड स्टेट में, ठीक है, डेमो इमेज आ रही है, उसके नीचे डिफॉल्ट स्टेट आ रही है कि हम आपको वॉलेट सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे दो बटन है जो कि काम के हैं, जो जोमैटो पीछे से ट्रिगर करता है, बट हम यहाँ पे ट्रिगर करेंगे यहाँ इनकी मदद से कि जब वॉलेट ढूंढना है और रेस्टोरेंट ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले फटाफट मैं आपको HTML दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, चार एलिमेंट है, ठीक है। एक तो ये यार CSS फाइल हमने बना रखी है वो इंपोर्ट कर रखी है, index.js है वो इंपोर्ट कर रखी है। JS फाइल खाली है जो हम सारी लिखने वाले हैं अभी, और CSS फाइल जो है वो उसमें थोड़ा बहुत कोड है मैं अभी दिखाऊंगा। उसके पहले ये देख लो यार, एक ही वो चीज़ है, एक मेरे डिस्क्लेमर चल रहा है जिसके अंदर ये टेक्स्ट है, ठीक है, छोटा सा HTML। उसके बाद मेन HTML हमारा यहाँ से शुरू होता है जिसमें हमारा हेडर है पूरा। उसके अंदर सबसे पहले तो आपका ये मेन जो करंट स्टेटस है ID कि अभी वेट हो रहा है रेस्टोरेंट के एक्सेप्टेंस का। उसके बाद आपका दूसरा नीचे जो दो बैजेस आ रहे हैं कि क्या स्टेटस है, ऑन टाइम है या नहीं, स्टेटस टाइम कितनी देर में आ रहा है, दोनों को बैच क्लास दे रखी है जिससे हम CSS इसकी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे आपका सिंपल सा मैप व्यू एलिमेंट है जिसके अंदर ID है, मैप व्यू और इमेज हमने दे रखी है अभी हार्ड कोडेड, ठीक है। उसके नीचे ड्राइवर डिटेल्स है यार कि ड्राइवर के क्या क्या नंबर है, फोन नंबर वगैरह। और उसके नीचे दो बटन है जिसकी ID है फाइंड वॉलेट और एक्सेप्ट ऑर्डर। ये हमने ID दिए ताकि हम इस पर क्लिक इवेंट लिस्ट में लगा पाएं और आगे देख पाएं कि कब क्या कराना है। तो फटाफट प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले। तो यार ऑर्डर करने से पहले क्या क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर करने से पहले होता है कि आप यूजर जो है अपने कार्ट में कुछ चीजें ऐड करता है, फिर उन्हें चेकआउट करता है, फिर उसका बिल जनरेट होता है, फिर उसके बाद वो उस पर कूपन कोड लगाता है, फिर वो एड्रेस सिलेक्ट करता है, फिर वो पेमेंट करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो ये तो है पहले का लॉजिक जो सिंपल सा UI में एरे में पुश और पुश ऑपरेशन कराना है वो आप लिख सकते हो इजीली, बट बाद में कभी बड़ा जोमैटो क्लोन बनाएंगे तो लिख लेंगे। अभी हम मेन देखने वाले ना जो आफ्टर ऑर्डर पूरा प्रोसेस होता है ना जोमैटो का, मैं एक बार इमेज खोल लेता हूँ। ठीक है, जो इमेज आप लोगों ने देखी होगी उसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है यार कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है रेस्टोरेंट ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। तीसरा स्टेप है जोमैटो साइन करता है डिलीवरी पार्टनर जो कि उस रेस्टोरेंट पे जाता है और ऑर्डर आपका पिक करता है। चौथा है डिलीवरी पार्टनर जो है रेस्टोरेंट रीच करता है। पांचवा स्टेप है आपका ऑर्डर पिकअप होता है और आपको डिलीवर होता है, ठीक है। अब सिंपल इसको एल्गोरिथम वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि यार ऑर्डर आपका रेस्टोरेंट में सेंड हुआ, अब आप वेट करोगे रेस्टोरेंट के एक्सेप्ट करने का, ठीक है। सिंपल इंग्लिश में स्टेप्स लिखो एल्गोरिथम के और बाद में उन्हीं के बेस पर अपना जो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक बनाओ, उसके मदद से आप कभी लॉजिक बिल्डिंग में अटकोगे नहीं, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये है, ऑर्डर सेंड किया रेस्टोरेंट को, फिर वेट किया जब तक रेस्टोरेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फिर दो चीजें हो सकती हैं, या तो रेस्टोरेंट एक्सेप्ट करेगा तो आप खाना बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, खाना बनाना स्टार्ट कर दो, वॉलेट असाइन करने लग जाओ बाकी चीजें, या तो रेस्टोरेंट रिजेक्ट कर देगा जो भी रीजन है, ऑर्डर नहीं ले सकता इस टाइम पे, लेट हो गया है, फूड नहीं है अवेलेबल, ऑर्डर जो करा है, तो पेमेंट रिटर्न कर दो और कस्टमर को सॉरी बोल दो, ठीक है। उसके बाद मान लो कि रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद है यार आप सबसे पास वाला जो डिलीवरी एजेंट है उसको ढूंढना शुरू करोगे लोकेशन के बेस पर, ठीक है, उसको असाइन करोगे कौन सा डिलीवरी एजेंट जो सेम डिलीवरी पाथ पे जा रहा हो पुराना ऑर्डर लेके और जो सबसे नियरेस्ट हो, जिसके पास सबसे लेस डिस्टेंस हो, ठीक है।
अब चेक करते रहो हर एक मिनट बाद कि यार उसने कुछ आपका ऑर्डर पिक किया है रेस्टोरेंट पे, वो गया है नहीं गया, उसने पिक करा या नहीं करा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि अगर उसने पिक नहीं करा तो आप क्या करोगे, जो एस्टिमेटेड टाइम है, मान लो आप 3-4 मिनट निकल गए, अब एस्टिमेटेड टाइम आपको 5 मिनट से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने ऑर्डर अब तक पिक नहीं किया, मतलब कुछ डिले हो रहा है। मान लो अगर उसने उसके बाद पिक कर लिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आप एस्टिमेटेड डिलीवरी ऑर्डर टाइम निकालोगे मैप से, मैप की एपीआई से कितना टाइम लग रहा है, और अपना जो एस्टिमेटेड टाइम है उसको अपडेट कर दोगे। तो समझना, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ये समझ लो अभी कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। कोडिंग कैसे करनी है वो मेरे पे छोड़ दो, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है यार कि डिलीवरी लोकेशन में आप जब ऑर्डर आपका ट्रैक हो रहा होता है, आप क्या करते हो हर एक मिनट बाद ना राइडर की लोकेशन लेके आते हो राइडर से, और मैप पे दिखाते रहते हो कि वो आपके कितना पास आता जा रहा है, कितना पास आता होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप टाइम भी अपडेट करते जाते हो, ठीक है। फिर फाइनली क्या होता है, ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाता है। उसके बाद जोमैटो थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद क्या बोलता है कि ठीक है अब ऑर्डर आपका डिलीवर हो गया, तो आप रेटिंग दे दो कि खाना कैसा था और राइडर की सर्विस कैसी थी, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, बहुत बार ऑर्डर करा होगा। अब भाई सिंपल सा जावास्क्रिप्ट में देख लेते हैं कि काम कैसे करेगा, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ, वहां पे डिजाइन पे आ जाते हैं। तो अभी आप देखोगे यार कि अभी वेट चल रहा है कि जोमैटो आपने ऑर्डर कर दिया है, अब वेटिंग चल रही है कि रेस्टोरेंट कब एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है नहीं, वो एक्शन ट्रिगर करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल लिख लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं इज ऑर्डर एक्सेप्टेड, ठीक है। वो हम अभी के लिए मान लेते हैं फॉल्स, कि ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं किया रेस्टोरेंट ने। और दूसरा हमारा क्या वेरिएबल होगा, इज वॉलेट फाउंड और नॉट, ठीक है, ये बाद में यूज होगा, अभी के लिए से खाली छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यार, हम विंडो एड लिस्नर लगाएंगे कि हमारा पेज लोड जब हो जाए उसके बाद जो हमें फालतू के ऑपरेशन करना है। ये क्या करेगा, आपका जो मेन ऐप है ना जोमैटो की, नाम लिखते हैं भाई जोमैटो की ऐप, क्या करेगा उसे बूट अप करेगा, या क्या बोले जाए पावर अप, या क्या बोला जाए स्टार्ट कर लेगा, ठीक है आगे चलते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, रेस्टोरेंट से ऑर्डर आपका एक्सेप्ट कराना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा यार, जैसे यहां से ऑर्डर गया रेस्टोरेंट के पेज पे, अब रेस्टोरेंट के मोबाइल में विजिबल होगा कि एक्सेप्ट कर लो, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा भाई रेस्टोरेंट के को एक्सेप्ट कराना है रिजेक्ट कराना है। तो सिंपली वो कर लेते हैं, हम इस पे क्या करते हैं कि ये जो एलिमेंट बटन है ना, इस बटन की क्या आईडी है, एक्सेप्ट ऑर्डर, इस पे क्लिक इवेंट लिस्नर लगाते हैं कि क्या एक्सेप्ट कराना है नहीं कराना। तो ये हमसे पूछेगा यार आप एक्सेप्ट कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते। तो यहाँ पे हमने क्लिक इवेंट लिस्नर लगा दिया, उसके आगे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया कि एक्सेप्ट कराना है नहीं कराना। हम फंक्शन इस पे क्या कराएंगे, आस्क रेस्टोरेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है हमने बना दिया। अब क्या करते हैं यार, फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। तो ये क्या करेगा जी, ये आपका, अब देखो प्रॉमिस पहले समझाता हूं, ये किस पे रिलाई करेगा, सबसे ज्यादा ये रिलाई करेगा आपका प्रॉमिस पे। तो प्रॉमिस क्या है यार, कि जैसे आपने जोमैटो को ऑर्डर दिया, अब जोमैटो ने आपको ये स्क्रीन देके प्रॉमिस कर दिया कि भाई हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया तो आपके पास पूरा ऑर्डर डिलीवर होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो गया तो हम आपकी पेमेंट रिटर्न कर देंगे। तो इसको ऐसा समझना कि जोमैटो ने आपको एक बीच में इंटरमीडिएट स्क्रीन या टोकन दे दिया कि ठीक है आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, हम आगे प्लेस कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल हुआ, ठीक है दो चीजें होंगी, तो सक्सेसफुल हुआ तो आपको डिलीवर हो जाएगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। सिमिलरली प्रॉमिस में भी ऐसी चीज होती है, वो क्या होगा, या तो रिजॉल्व होगा, जिसको सिंपल भाषा में बोलो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरी चीज क्या होगी, या तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट को बोला जाता है यहाँ पे रिजॉल्व, जिसका मतलब है रेजोल्यूशन। तो आगे टेक्निकल भाषा में कंफ्यूजन ना हो इसलिए कमेंट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है वो बता देता हूं, डेमो प्रॉमिस बनाते हैं, ठीक है। आपको न्यू कीवर्ड आगे लगाना पड़ता है,
आगे प्रॉमिस एक जावास्क्रिप्ट का बना बनाया फंक्शन कह लो, ठीक है, जिसका आप न्यू इंस्टेंस बनाते हो। इसमें क्या होता है, आपको दो आर्ग्यूमेंट देता है, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट। अब चाहो तो आप उसको रिजॉल्व करा सकते हो लॉजिक के बेस पे या रिजेक्ट करा सकते हो, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले बताता हूं हमें करना क्या है, ठीक है। तो अभी इसको कमेंट कर देते हैं, उससे पहले मैं इससे पहले हम देख लेते जो कॉलबैक्स क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं यार, रेस्टोरेंट को बोलेंगे भाई तू एक्सेप्ट करना चाहता है रिजेक्ट करना चाहता है, वो हमसे पूछा जाएगा क्लिक करवाने पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, हम अभी थोड़ा डिले डालते हैं, ठीक है, एक मिनट का डिले डाल देते हैं, एक सेकेंड का डिले डाल देते हैं कि भाई एक सेकेंड बाद हमसे पूछो कि रेस्टोरेंट से एक्सेप्ट कराना है रिजेक्ट कराना है। तो एक कंफर्म करके प्रॉम्प्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, तो वो पूछेगा हमसे ट्रू और फॉल्स में कि शुड रेस्टोरेंट एक्सेप्ट ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉक करा देंगे कि ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ एक सेकंड बाद, किसके बाद, क्लिक करने के बाद। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, ये जो है ना ये एक फंक्शन गया जिसको बोला जाता है कॉल बैक। सेट टाइम आउट क्या करता है, उसका सिंटेक्स होता है कॉल बैक लेता है और एक टाइमर लेता है, इतने टाइम बाद वो कॉल बैक को एग्जीक्यूट कर लेगा। कॉल बैक कुछ नहीं है, एक फंक्शन ही है जो थोड़ी देर बाद आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो या फिर किसी मीनिंगफुल ऑपरेशन पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, ठीक है। अब ये इसने कॉल बैक ले ली, अब जब भी फंक्शन कॉल होगा ना ये सेट टाइम आउट ट्रिगर होगा, ये कॉल बैक कॉल करेगा एक सेकेंड बाद थोड़ा डिले के बाद, ठीक है। इसको टेस्ट कर लेते हैं, अब जी अभी भी रेस्टोरेंट के एक्सेप्टेंस की वेट हो रही है। चलो जी हम रेस्टोरेंट के एक्सेप्टेंस को बोलते हैं कि भाई तुमने एक्सेप्ट किया है नहीं किया। अब ये पूछेगा जी अब ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए रिजेक्ट करना चाहिए रेस्टोरेंट को, आप बताओ क्या कहते हो, एक्सेप्ट करा दे या रिजेक्ट करा दे। चलो एक बार रिजेक्ट करा के देखते हैं, चलो कैंसिल कर दिया हमने। अब जी इंस्पेक्ट करते हैं, इसको नीचे खोल लेते हैं और कंसोल में जाके देखते हैं कि ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम, दोबारा देखेंगे यार क्या हुआ, ऑर्डर एक्सेप्ट कराना नहीं कराना। इस बार हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। शूट रेस्टोरेंट एक्सेप्ट ऑर्डर, हाँ जी एक्सेप्ट करा दो, खाना भी तो चाहिए ना यार, भूख लगी है। अब यहाँ पे ट्रू हो गया, मतलब रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कंट्रोल वैसे रेस्टोरेंट के पास रहेगा लेकिन यहां से हम डमी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं कॉल बैक से लिख रहा हूं, आगे चल के प्रॉमिस से लिखेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया कि यार आप कंट्रोल एक्सेप्ट कराना और रिजेक्ट कराना आपके हाथ में आ गया। अब इसके बाद क्या चीज है, रेस्टोरेंट ने मान लो एक्सेप्ट कर लिया रिजेक्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है, या तो एक्सेप्ट कर लिया तो आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करा दो या रिजेक्ट कर लिया तो पैसे वापस कर दो, ठीक है। अब वो लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप वन। अब स्टेप टू क्या है, यहां कमेंट भी लिख देता हूं, एक्सेप्टेड ऑर्डर और नॉट। अब स्टेप टू क्या है भाई, चेक इफ रेस्टोरेंट हैज एक्सेप्टेड ऑर्डर। तो इसका क्या मतलब है यार, जैसे आप एक्चुअल में आप जोमैटो यूज करोगे ना, उसमें क्या होता है कि आपने कुछ ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब एक मिनट तक, पूरे एक मिनट तक जोमैटो रेस्टोरेंट की वेट करेगा कि रेस्टोरेंट ने जोमैटो पे ऑर्डर एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। उसके लिए क्या करेगा, हर 5 सेकंड बाद हिट मारेगा अपनी एपीआई को चेक करने के लिए कि रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट किया है नहीं किया। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो प्रिपरेशन स्टार्ट करा देगा, अगर नहीं किया है तो कैंसिल कर देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अभी के लिए एक मिनट तक हर बार कॉल तो नहीं मारेंगे, अभी हमें पता है कि यार एक सेकंड के डिले के बाद, ठीक है, एक सेकंड के डिले के बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, थोड़ी देर का डिले डाल देते हैं 5 सेकंड का, कि हम एक मिनट तक बार बार रीट्राई तो करेंगे नहीं, हम 5 सेकंड बाद ही चेक कर लेंगे एक ही बार रीट्राई ना करके कि रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट किया है रिजेक्ट किया है, और उसके बेस पे हम फाइनल डिसीजन दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज ये बार बार कॉल होगा इंटरवल के बेस पे, बट अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि सिंपल लॉजिक लिखते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं, चेक इफ
ऑर्डर एक्सेप्टेड फ्रॉम रेस्टोरेंट और नॉट, ठीक है। तो ये क्या करेगा यार, ये सिंपल भाषा में आपका कॉल बैक लेगा कि भाई एक्सेप्ट कर लिया रिजेक्ट कर लिया उस पर करना क्या है, और ये इसको 5 सेकंड का टाइम लेके चलते हैं कि भाई 5 सेकंड बाद या तो ये रिजेक्ट करेगा यार, अगर मान लो कि ऑर्डर एक्सेप्टेड है तो अलर्ट कर दो ऑर्डर एक्सेप्टेड, एल्स अलर्ट ऑर्डर रिजेक्टेड, ठीक है। रीलोड करते हैं जी। अब इसमें हमने क्या करा, कंफर्म करा दिया, ठीक है भाई कंफर्म करा दिया। अब जोमैटो की एपीआई बैकग्राउंड में मारती रहेगी चेक करने के लिए रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट किया है नहीं किया। अब देखते हैं 5 सेकंड बाद क्या रिस्पॉन्स आता है कि भाई एक्सेप्ट किया है रिजेक्ट कर दिया। 3, 2, 1, अरे रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा फंक्शन कॉल का कराया हमने, ठीक है जी। अब ये क्लिक करने के बाद नहीं, हम चाहे तो क्लिक करने के बाद कराना चाहिए आइडली, बट अभी हम बाद कॉल कराते हैं, या फिर हम चाहे तो सीधा इसके बाद भी करा सकते हैं, हमारी मर्जी है। चलो जी रीलोड करके देखते हैं एक्सेप्ट कराना नहीं कराना, ठीक है एक्सेप्ट करा दिया। अब देखते हैं 5 सेकंड बाद जोमैटो में क्या अपडेट देता है, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बट यार अब ये दिक्कत है कि अब ना सब चीज हार्ड कोड चल रही है, हो सकता है ये 5 सेकंड ले, हो सकता है वो 10 सेकंड ले, हो सकता है वो 1 मिनट ले, हो सकता है 5 मिनट ले, बट मैं इतना वेट तो नहीं करूंगा ना सेट टाइम आउट लगा लगा के। तो मुझे क्या चाहिए यार कि मुझे तुम प्रॉमिस कर दो कि भाई ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ बार बार, जैसे ही कुछ अपडेट आता है ना एक्सेप्ट होता है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देंगे कि भाई ठीक है तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि भाई तुम चेक करते रहो कि ऑर्डर एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, और तुम मुझे बताना जब एक्सेप्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद मैं आगे का काम कर दूंगा सारा। तो ये सिंपली जैसे मैंने बताया था, तो प्रॉमिस का जैसे मैंने बताया था, एक आप प्रॉमिस का इंस्टेंस है उसके आगे न्यू लगाते हो। प्रॉमिस एक ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन एंटिटी होती है जावास्क्रिप्ट में, जिसके आगे आप न्यू लगा के उसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, जिसकी मेमोरी हीप में असाइन होती है। उसमें क्या आप 2 आर्ग्यूमेंट लेते हो, एक तो है जी रिजॉल्व, एक है जी रिजेक्ट। इतना सबको पता होगा जो ट्यूटोरियल देखने आए कि रिजॉल्व रिजेक्ट प्रॉमिस में क्या होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो लॉजिक है ना इसको अंदर मूव कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यार अगर 5 सेकंड बाद देखो कि अगर ऑर्डर एक्सेप्टेड है ना तो रिजॉल्व कर दो कि ऑर्डर एक्सेप्टेड है, बट उसकी जगह क्या करेंगे हम ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर दो कि भाई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने आपका, तो आप कुछ और ऑर्डर कर लो या अगर भूखे मर जाओ, ठीक है। अब जी प्रॉमिस ये बन गया, तो प्रॉमिस आपका बन गया और इसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो यहां पे कुछ इसने रिटर्न कराया होगा, तो हम क्या करते हैं अभी इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि भाई मैंने ऑर्डर प्लेस करवा दिया है, अब रेस्टोरेंट ने कंफर्म करा रिजेक्ट करा है, वो तुम चेक करते रहो और मुझे फाइनल बताना सीधा, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा ना इसका टाइम कम कर देते हैं, 5 सेकंड की जगह 2 सेकंड कर देते हैं, अदरवाइज हमें हर बार वेट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा विंडो छोटी कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। अभी ठीक है गाइज, हम एक्सेप्ट करा रहे हैं, तो प्रॉमिस पेंडिंग में आ गया, फुलफिल हो गया और ट्रू हो गया, मतलब आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया और ये रिजॉल्व हो गया ट्रू पे, और अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता। चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं रिजेक्ट करके। अब आप बोलोगे यार ये काम तो सेट टाइम आउट से भी हो रहा था, प्रॉमिस से क्यों किया, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। कैंसिल कर दिया, प्रॉमिस आपका रिजेक्ट हो गया, रिस्पॉन्स फॉल्स आ गया और एरर भी आ गया, प्रॉमिस में अनकॉट है फॉल्स, वो इसलिए आया क्योंकि हमने कभी यहाँ पे कॉल तो करा लिया, ऐसे हमने यहाँ पे कभी इसको हैंडल नहीं किया कि सक्सेसफुल होना तो क्या करना है, फेल होना तो क्या करना है, ठीक है। अब जी क्या करना होता है,
मान लो कि अब हम ऐसा करते हैं कि क्या रेस्टोरेंट ने आपका ऑर्डर देखा भी है या नहीं देखा, उस पे चलते हैं। Has restaurant seen your order? By default false ही होगा, रेस्टोरेंट नहीं देखा। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना कि यार ठीक है हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, रेस्टोरेंट को बोल रहे हैं भाई एक्सेप्ट कर ले। तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे इसका मतलब क्या है, रेस्टोरेंट ने आपको ऑर्डर देख लिया, तो इसको हम कर देंगे ट्रू। अब इससे क्या पता लगेगा यार, यहां पे ना हम क्या करेंगे, इसको कर चला देंगे सेट इंटरवल में। ये हर 2 सेकंड बाद चेक करता रहेगा कि यार रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट करा या नहीं करा, जोमैटो की तरह हिट मार मार के। ठीक है, इसमें कर देते हैं चेकिंग इफ ऑर्डर एक्सेप्टेड और नॉट। ठीक है, ये चलता रहेगा। अब इसमें क्या कंडीशन करनी है कि यार अगर रेस्टोरेंट ने आपको ऑर्डर देखा ही नहीं है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं जैसे अपना डिस्कस हुआ है, इसको इंस्पेक्ट को नीचे खोल लेते हैं, अदरवाइज आप लोग देख परेशान हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। ये क्रोम एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, कोई जो मैंने डाल रखी है इसको इग्नोर करना। ठीक है, अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया है, रेस्टोरेंट ने आपको ऑर्डर ही नहीं देखा है, सॉरी अगर आपको ऑर्डर देखा ही नहीं है तो पहले रिटर्न कर जाओ। अगर ऑर्डर देखा है उसके बाद देखो कि एक्सेप्ट कराया है तो क्या करना है, रिजेक्ट करा तो क्या करना है। ठीक है, ये प्रॉमिस रिटर्न करना है। हो सकता है कि मैं इतना बड़ा ना लिखूं एक वेरिएबल में डाल के, क्यों मैं भी मतलब वेरिएबल डिफाइन करूं, मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकता हूं कि यार मुझे वेरिएबल डिफाइन नहीं करना, मैं सीधा न्यू प्रॉमिस बना के रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, अंदर से बात तो वही है ना। ठीक है, अब यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। तो इस स्टेप को दोबारा देखना अगर रिवाइड करके अगर डाउट हो रहा तो। ये हो गया जी कॉल बैक, ये हो गया जी आपका प्रॉमिस। पहले कॉल बैक था, अब हम इसे प्रॉमिस में बना रहे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता भाई ये कब तक चलेगा, हमें वेट नहीं करना। कॉल बैक में फिक्स होता है कि भाई एक बार चल गया तो खत्म, लेकिन प्रॉमिस में ऐसा होता है कि ठीक है भाई मैं टिकट दे रहा हूं, तुम जो मर्जी करो, तुम 10 मिनट तक चलो, 2 मिनट तक चलो, बस जब फाइनल हो जाए ना मुझे बता देना। अदरवाइज कॉल बैक में क्या होगा कि ठीक है 1 सेकंड बाद चल गया, अब अगर सक्सेसफुल है, रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट कर लिया तो दोबारा देखो। ठीक है, अगर रेस्टोरेंट ने आपका ऑर्डर देख लिया है तो ठीक है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो, अगर नहीं देखा तो दोबारा चलते रहो। तो ये सेट टाइम आउट अपने आप को कॉल करता रहेगा हर 1 सेकंड बाद कॉल बैक की मदद से। तो वो हमें काम नहीं करना, हमें प्रॉमिस पर रिलाई करना है। क्लीन कोड लिखेंगे एकदम कि भाई ठीक है आप इंटरवल पे हिट मारते जाओ, जैसे आपका हो जाए आप मुझे सक्सेस या फॉल्स दो। अब जी हमने ये लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने को रेस्पॉन्स मिला था ना, अब हम चेक करेंगे कि यार रेस्टोरेंट ने फाइनली एक्सेप्ट किया है या नहीं करा। तो क्या करेंगे, हम सीधा शॉर्ट हैंड लिखते हैं यहाँ पे भी, हमने ये फंक्शन कॉल कराया। ठीक है, अब इसके बाद हम सीधा देन करेंगे और कैच करेंगे। कैच का मतलब क्या होता है कि कुछ एरर आया, कुछ कोड फट गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे यार, अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे ऐसा मेजर, तो हम सिर्फ लॉक करा लेंगे। और सक्सेस के केस में हम क्या करेंगे, कंसोल लॉक करा लेंगे रिस्पॉन्स कि ट्रू है फॉल्स। तो भाई सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट के लिए वेट हो रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, तो पहले रेस्टोरेंट को बोलते हैं भाई एक्सेप्ट करो। ठीक है, ट्रिगर कर दिया, अब हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब ये देखो यार आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है नहीं चेक कर ही जा रहा है बार बार हर 2 सेकंड में। अब एक यहाँ पे 2 गलती है, एक जब आपका रिजॉल्व हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है सेम चीज आज की 2 बार प्रिंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे अलग करने के लिए क्या करते हैं, अपडेट फ्रॉम रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट ने फाइनल डिसीजन दे दिया भाई कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा था उसको हटा देते हैं क्योंकि हमें पता ही हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स, तो बार बार प्रिंट करा के क्या करना, तो उससे आइडिया लग जाएगा। और क्या करना था हमें, थोड़ा इसको प्रॉपर फॉर्मेटेबल रीडेबल फॉर्मेट में बना देते हैं। ठीक है, अब जी हो गया,
ये इंटरवल चले जा रहा है गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक टाइमर के लिए वेरिएबल रख लेंगे कि रेस्टोरेंट टाइमर रख लेंगे नल, ठीक है। अब जब भी हमने सेट इंटरवल इनिशियलाइज करा ना, हम इसमें वैल्यू भेज देंगे, तो टाइमर को कभी भी क्लियर करने का मतलब है गाइस कि आप ना हमेशा उसकी टाइमिंग को जो नोट कर लो और उसको कॉल कराओ, तो आपका इंटरवल क्लियर हो जाएगा, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, रीलोड कर लेते हैं इसको, कंसोल को थोड़ा बड़ा करके क्लियर कर लेते हैं। अब जी आपका वॉलेट रेस्टोरेंट को बोलते हैं भाई एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट, इसने चेक करा कि भाई एक्सेप्ट करा है नहीं करा 2 सेकंड बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब आपको दिखाना है कि यार बैकग्राउंड में अभी तो हमने क्या करा कि यहाँ हार्ड कोड कर दिया कि भाई ठीक है जब तुम्हारा क्लिक हो रहा ना उसके बाद ही चेक करो, बट एक्चुअल में तो ऐसा होगा नहीं, रेस्टोरेंट अपना अलग चलेगा, यहाँ तो हमने जुगाड़ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ही ना जब ऐप बूट अप होगी ना, मतलब ये पेज लोड होगा उस पे ही लगा देंगे कि जैसे ही आपका ये पेज लोड हुआ तभी चेक करना स्टार्ट कर दो भाई कि एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। देख रहे हो भाई, अभी हर 2 सेकंड में चेक करता रहेगा कि भाई रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट करा या नहीं करा, अभी ये वेटिंग चल रही है, ठीक है। अभी इसमें जाके हम क्या कर सकते हैं भाई, हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि मान लो आपका जो सेट इंटरवल है उसमें हम एक काउंटर लगा सकते हैं कि कितनी देर तक चल गया। अब मान लो मैं 5 सेकंड लगाता हूं, तो मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब 5 सेकंड के हिसाब से अगर काउंटर 12 बार चल गया ना, 1 मिनट हो गया पूरा, तो ऑर्डर रिजेक्ट, एपीआई कॉल मारो, ऑर्डर रिजेक्ट कर दो। बट अभी वो हम नहीं कर रहे, सिंपल सी कंडीशन आप लगा सकते हो, अभी वो उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, वरना अदरवाइज इतने ज्यादा एज केस देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले बेसिक बना लो, एक्स्ट्रा बाद में ऐड करते रहना, ठीक है। रीलोड करा जी, आपका ये चेक करता रहेगा बैकग्राउंड में कि ऑर्डर एक्सेप्ट किया नहीं किया। हम रेस्टोरेंट को बोलते हैं हाँ भाई हमसे पूछ फटाफट करेगा नहीं करेगा, हमने बोला करेगा तू, ठीक है। अब इसने चेक कर लिया जी, ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है, वो अपडेट आ गया रेस्टोरेंट से, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया। अब जी एक्सेप्ट हो गया, क्या करना है, यहाँ पे स्टेटस अपडेट करना है कि ठीक है आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है, मैप को एनेबल करना है, और आपका वॉलेट जो डिलीवरी एजेंट है वो सर्च करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे गाइस, ठीक है। ये स्टेप हो गया, ऑर्डर सेंड कर दिया, अब वेट कर रहे हैं, ठीक है। वेट रिस्पॉन्स आ गया कि भाई एक्सेप्ट कर लिया है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अदरवाइज रिटर्न पेमेंट। अब इस स्टेप को 2 और 3 को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉजिक ट्वीक करेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है गाइस, आपका ट्रू और फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक्चुअली आ कह रहा है इस ऑर्डर एक्सेप्टेड और नॉट, तो यहां पे देखेंगे कि ऑर्डर एक्सेप्ट है तो अलर्ट कर देंगे, अलर्ट क्या करना है, यू पहले अभी के लिए अलर्ट कर देते हैं, योर ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, सॉरी रेस्टोरेंट कुड नॉट एक्सेप्ट योर ऑर्डर, रिटर्निंग योर अमाउंट विथ जोमैटो शेयर्स। जोमैटो के शेयर्स ले लो गाइस, फ्री में बटवाएंगे हम इस चैनल पे, किसी को ना मिले तो मुझे बता देना। अब मान लो कुछ एरर आ गया, आपका कोड ब्रेक हो गया, तो अलर्ट करके क्या बोलोगे, Something went wrong. Please check your code. ऐसे तो नहीं लिखोगे प्रोडक्शन में, वहां तो ये लिखोगे Please try again later. ठीक है, fake accent को ignore करना, काम की बात पे focus करना। अब जी फटाफट देख लेते हैं कि order accept करना है reject कराना है। मैं बोलूंगा भाई cancel करेंगे, अब आ गया cancel करने पे। ओ अरे यार cancel पे क्या हुआ, ये तो नहीं आना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा रिजेक्ट कर दिया हमने, तो कैच में चला गया। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए गाइस, हमें रिजॉल्व करना चाहिए फॉल्स के साथ, तब वो जाएगा देन में, ठीक है। चलो दोबारा रिजेक्ट करेंगे हम, अपने आप को रिजेक्ट करेंगे हम, इतने सिंगल नॉन्डे हैं हम, ठीक है। अभी भी समथिंग एंड रॉन्ग, क्या फट रहा है, मिनट चेक कर लेगा इस, कुछ तो फट रहा है, rest is not even, अरे लॉजिकल दिक्कत है,
इट्स ऑर्डर एक्सेप्टेड. अच्छा यार ये प्रिंट नहीं कराना. ठीक है गाइस, पहले सही लिख रहे थे हम, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार दोबारा चला के देखेंगे. कैंसिल. ठीक है गाइस, अब इसको मैंने करेक्ट कर दिया. यहाँ पे हमने रिजॉल्व करा दिया. फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. अगर कुछ एरर आया तो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब हम क्या करेंगे भाई, सिंपल पूछेंगे वह रिजेक्ट कराना है फॉल्स कराना है. कैंसिल करा तो ठीक है भाई, रेस्टोरेंट आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपकी पेमेंट वापस कर रहे हैं जोमेटो के शेयर के हिस्से में. ठीक है, अगर मैं वही चाहूँ कि ठीक है भाई मैं एक्सेप्ट कराऊंगा रेस्टोरेंट की तरफ से, तो मैं बोलूंगा ओके रेस्टोरेंट एक्सेप्ट कर दिया. ठीक है, अब हम बोल रहे हैं रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट कर दिया, ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया. अब जी इसके आगे का लिखते हैं स्टेप्स. तो ये आपके हो गए स्टेप्स. अब जी अब ये फोर स्टेप करना है हमें. ठीक है, स्टेप टू और थ्री इसमें ही हो गया, मैं ये पे लिख देता हूं. क्या हो गया, स्टेप टू भी यही हो गया और स्टेप थ्री यहां पे हो गया. ठीक है, ऑर्डर रिजेक्टेड. अब जी स्टेप फोर के लिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा स्टेप. स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ठीक है, अब आपको बेसिक लेवल का प्रॉमिस आ गया, अब हम सीखेंगे एडवांस लेवल का प्रॉमिस. सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो तुम्हें कसम है. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय.